फेसबुक लाइव में आपका फिर से स्वागत है। हम इस समय हैं मेन बाजार में, हम अब इस समय मेन बाजार में हैं। मेन बाजार में टेम्परेरी इंक्रोचमेंट के नाम पर प्रशासन ने कार्रवाई की हुई है। हम आपके बीच में समय समय पर गंभीर मुद्दों को लेकर आते हैं। इस बार का गंभीर मुद्दा है जिला प्रशासन द्वारा टेम्परेरी इंक्रोचमेंट के खिलाफ चलाया गया अभियान, और उस अभियान के तहत दुकानों के आगे जो तख्त हैं या तख्त से आगे टेबल लगा के सामान बेच रहे हैं जो बाहर के दुकानदार या जो भी हैं, वो इल्लीगल है टोटली। क्या नाम है आपका? वाजिद। वाजिद, तुम्हें पता है ये प्रशासन ने जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट के नाम पे ये कहा है कि बाहर आप टेबल नहीं लगाते, पता आपको? आपके पास कोई आया भी नहीं है प्रशासनिक अधिकारी, कोई नगर परिषद प्रशासन से आया हो? कोई भी नहीं आया। देखा आपने, ये जो बाहर टेबल लगाकर बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि अभी तक नगर परिषद प्रशासन का या प्रशासन का कोई अधिकारी उनके पास नहीं आया है जो ये कह सके कि ये इल्लीगल है। तो ये जो आपने अंदर सामान लगा रखा है, ये बाहर वाला सामान अंदर भी तो लगा सकते हैं आप, फिर किस लिए नहीं लगाते? आपको पता है आपके लगाने से लोगों को कितनी दिक्कत होती है, जो यहाँ से गुजरते हैं लोग? जितना हक आपको दुकान पर है, उतना ही हक बाजार में चलने वाले ग्राहक को भी है, पता आपको? फिर क्यों आपने लगा रखी है? ये गलत है, ये तुम्हारे इसको अंदर करो आप थोड़ी देर में, ठीक है? अभी 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 आपके बीच में फिर एक बार चलते हैं। ये सेल के नाम पर देखेंगे आप, ये टेबल देखिए 6 फुट की टेबल है ये कम से कम, और कितने भी कितनी गलत बात है कि बाजार में, बाजार 20 फुट का है तो उसमें 6-6 फुट की अगर टेबल लगती है तो 8 फुट का रास्ता बचता है। 8 फुट में कस्टमर अपने साथ बाइक लेकर आता है या कुछ भी लेकर आता है। अभी देखिए, हमने लाइव चलाया है तो उन्होंने हटाना शुरू कर दिया है। क्या नाम है आपका? तो मैं पता, प्रशासन ने ये टेम्परेरी इंक्रोचमेंट के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, हैं? नहीं, आपको भी शर्म आनी चाहिए इस बात से कि आप, जब आपके पास 20 फुट की दुकान है तो आप 20 फुट की दुकान के अंदर क्यों नहीं सामान लगाते हैं? क्या नाम है तुम्हारा? बिलाल। ये गलत बात है आप लोगों की, क्योंकि आपको पता है प्रशासन ने अभियान भी चलाया हुआ है, उसके बावजूद भी आपके अंदर अगर आप 20 फुट में आप कमाई नहीं कर सकते तो आप बात 6 फुट का अगर सामान लगाएंगे तो कहाँ कमाई होगी आपकी? देखा आपने, दो दुकानदार हैं, अभी फेसबुक लाइव चलाया है, उन्होंने सामान अभी अंदर रख दिया है। ये तुम अभी हटा रहे हो, इसके बाद अगली बार लगाओगे हमारे जाने के बाद? हमारे जाने के बाद लगा दोगे आप, हैं? नहीं, कई बार प्रशासन पहले आता है तो आप ऐसे ही हटा लेते हो, फिर वो जाता प्रशासन तो आप दोबारा लगा देते हो। देखो ये अब ये देखिए, ये दुकानदारी आपस में कह रहे हैं कि बाहर ये मशीन लगी हुई है, एक टेलर है 2 मीटर का, एक टेलर है वो अगर मशीन लगा कर बैठे हो तो उनके लिए, दुकानदार भी ये कह रहे हैं, पड़ोसी दुकानदार की ये टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है। क्या नाम है आपका? ये आपने इजाज़त दी है अपनी दुकान के बाहर? ये शोरूम आपका है, आपने इजाज़त दी है? नहीं, वो आपके दुकानदार तो साथी वाले दुकानदार तो मना कर रहे हैं। काम नहीं करते ना, ना कर रहा है। हाँ जी, क्या चीज? साथ बंदरों काम करता है ये? नहीं, वो दुकानदार ही कह रहे हैं। देखो अभी ये दुकानों की भीड़ लग गई है। नहीं, वो ये मशीन वाले क्या खींच रहे हैं, मशीन वालों को खींचा हमने। ये आपका शुभ नाम क्या है जी? आपका शुभ नाम क्या है? जितेंद्र जी, आपने टेम्परेरी इंक्रोचमेंट के नाम पर ये सिलाई मशीन रखी है, टेलर को बिठा रखा आपने बाहर? नहीं नहीं, अभी 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 टीवी नहीं, नहीं, उन्होंने कहा है कि इनका काम नहीं करते इसलिए। देखा आपने, ये बाजार के दुकानदारी हैं, पड़ोसी दुकानदार हैं, ये पड़ोसी दुकानदारी टेम्परेरी इंक्रोचमेंट के नाम पर खफा है। एक सेकंड, आपका प्रमोद जैन है? अच्छा, प्रशासन आता है और पीछे से लगा लेते हैं। हमारे लोग अच्छा, बट नहीं, आप लोग क्या नाम है, प्रशासन से फिर दोबारा नहीं कहते आपकी? प्रशासन आगे जभी तो कहते, प्रशासन आता नहीं है, हम तो कहते हैं प्रशासन से। इस समय आप है ना फेसबुक लाइव पर है, इस समय हजारों लोग आपको एक साथ देख रहे हैं,
आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं, हाथ के हाथ आप देख रहे होंगे। जुर्माना करो 10,000 रुपए 20,000 रुपए ऐसे जुर्माना जब बांटेंगे। आपकी भी दुकान है जी? दुकान है हमारी अंदर। आपने भी बाहर सामान आता है? सामान अभी डीसी साहब ने टेम्परेरी इंक्रोचमेंट के नाम पे अभियान चलाया हुआ है, आप उसके उनके अभियान से संतुष्ट है? क्योंकि जो आपकी मार्केट में एसोसिएशन बनी हुई होंगी, आपकी एसोसिएशन ने कभी मार्केट की एसोसिएशन नहीं है? देखिए केवल थोड़ी सी भाग दौड़ के बाद ही लाइव चलाया है 10 मिनट के अंदर अंदर। ये आपने देख रहे हो जाम सा लग गया है, और ये जाम अब लगा है सिर्फ लाइव दिखाने से। लोग कितने दुखी हैं, लोग इतने दुखी हैं कि अपना जो यहाँ से निकलना भी दूभर हो जाता है। पिछले दिनों डीसी साहब की मीटिंग में कई महिलाओं ने भी ये कहा था कि टेम्परेरी इंक्रोचमेंट के नाम पर जो भीड़ भड़का होता है उससे बड़ी दिक्कत होती है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। हाँ जी बोलो। हाँ जी प्रमोद जैन जी फिर दोबारा से एक बार लाइव आ रहे हैं। जैन साहब आप बताइए, जो बाहर सामान रखा हुआ है से आगे जो किराया ले रहे हैं मकान दुकान वाले कितना किराया ले रहे हैं? पता नहीं कितना ले रहे हैं, क्या कोई भी आ कोई भी सही, क्या मशीन लग रही है, तब रेडी लग रही है, क्या कुछ सब किराया ले रहे हैं, क्या बाहर टीवी लग रही है, जो भी लग रहा है सब किराया ले रहे हैं। नहीं ये आप आज बोल रहे हैं, ये तो काफी समय से है। अच्छा तुम जाते हो पीछे से लगा लेते ये मान के चलिए जैन साहब, ये मान के चलिए इस समय आप लाइव फेसबुक लाइव है, नहीं फेसबुक लाइव है, ये समझ लीजिए कि आपके पास जिला प्रशासन ही आया हुआ है लाइव, वो जिला प्रशासन भी देख रहा है इस बात को। आप लोगों का जो आक्रोश है, आपका गुस्सा है, जो आपका आक्रोश है वो भी देख रही है। ये जैन साहब ये टेम्परेरी इंक्रोचमेंट के नाम पर जो आगे सामान रखा हुआ है लोगों ने, जैसे अभी देखा था आपने 250 रुपये सेल का वो लगा रखा है, दो दुकानों का सामान बाहर रखा हुआ था, वो लाइव आया तो उन्होंने हटा दिया तुरंत। तो आप लोग जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से संतुष्ट है? क्योंकि ये सामान जो 40 फुट की जो 20 फुट के लोग ये कहते हैं कि 20 फुट की दुकान में अगर वो कमाई नहीं कर सकता दुकानदार, 6 फुट बाहर लगा कर क्या कमाई होगी? कुछ नहीं कमाई होगी। लोग अंदर होगा जो बाहर बनाया किस चीज का जी? सामान लगाने का जो इनको दिया हुआ है, आपने दिया हुआ है? क्या आपकी दुकान है जी? दुकान में माँ भगत जी स्थान नहीं, ये आपने दी हुई है दुकान किराए पे? अच्छा मेरी तो खुद किराए पे। आपके खुद किराए पर है? कितना किराया दे रहे हैं आप? मैं किराया 12,000। अच्छा सामान का अंदर रहता है बाहर रहता है? सामान तो जी अभी तो अंदर ही है, और अगर ऐसा ही रहा तो हम भी बाहर रख लेंगे। अच्छा मतलब आप उन दुकानदारों में हैं जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट नहीं करते हैं, आप उनमें से शामिल हैं। देखिए अभी थोड़ी देर में ही बाजार है, कोई बाहर रखे तो दूसरा दूर रखने लगे। बात बताइए ना, जो बाहर कदम लगा के बैठे हैं जिन्होंने किराया वसूल रहे दुकानदार, अच्छा जो दुकानदार उनसे किराया वसूल रहे बाहर फड़ वालों से, वो इसमें वो इन्वॉल्व ज्यादा है। आपका गुड नेम शुभ नाम क्या आपका? संतोष कौशिक जी, जिस समय आप लाइव पर हैं इस समय कुछ कई दुकानदार परले बाजार वाले सिटखाड़ में गए हुए हैं विरोध स्वरूप, मार्केट बंद करके गए हुए हैं। उनका भी यही कहना है कि जो ये दुकानें बाहर लगी हुई हैं उनसे टेम्परेरी इंक्रोचमेंट से इसमें आना जाने में दिक्कत होती है, कस्टमरों को भी बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है ना, कस्टमर पहुँचता ही नहीं है यहाँ तक, तो सर होटल के कस्टमर पहुँचता ही नहीं है। सही बात है बिल्कुल। देखिए आप फिर आने वाले समय में वक्त बदल रहा है, कोशिश करेंगे ये सब हटेंगे आपको। हाँ ये बात आपकी सहमत कौशिक जी, ये है कि आम आदमी के आपकी बात से सहमत है, लोग जाग रहे हैं, जाग चुके हैं, इसलिए लोग अपने सड़कों पर लगाए। हमारे साथ प्रशासन भी कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें भी कोशिश करनी पड़ेगी, हमारे साथ कुछ और बंदे भी लगे हुए हैं, कम से कम 1,000 आदमियों की टीम है जो इस काम में जुटी हुई है। आप जैसे लोग हैं, आप जैसों का आशीर्वाद और करेंगे कोशिश। बिल्कुल। तो देखा आपने ये किस तरीके से गुस्सा उमड़ के आ रहा है दुकानदारों का। अनेकों दुकानदार ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि बाहर सामान ना लगे, बाहर सामान लगता है, देखिए अभी भी निकलने में आने जाने में दिक्कत होती है। पहले का माहौल दूसरा था। पहले दुकानों में जो कस्टमर होते थे पहले पैदल आते थे, लेकिन अब माहौल बदल गया है। माहौल बदले बाद एक मिनट यही बता दो आप, कोई बात नहीं।
पहले लोग आते थे बाज़ार में, लोग आते थे पैदल आते थे, लेकिन अब समय बदल गया है, लोग अब वाहनों पर आते हैं, टू व्हीलर्स पर आते हैं, तो निकलने का रास्ता नहीं मिलता, लोगों को बड़े दुखी हैं। डीसी साहब ने पिछली मीटिंग में ये कहा था कि लोग इतने दुखी हैं कि लोग आत्महत्या भी कर सकते हैं तुम्हारे इंक्रोचमेंट पर। हाँ जी बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ यही बता दो आप कैमरे के साथ। नहीं नहीं आप, आप हाँ जी हाँ नहीं देखिए, जिन्होंने दुकान अपनी क्या, जो अभी सिलाई मशीन वाले बैठे हुए थे वो कहते कि हमारा भी रास्ता बंद गया हुआ है। आप इस समय फेसबुक लाइव पर? हाँ जी हाँ जी, ये देखिए, ये हमारी, अच्छा ये रास्ता है, रास्ता ये हमारा नहीं है, ये इनका है, ये पीछे वालों का रास्ता। अच्छा ये चबूतरा है? नहीं ये ये, ये इस दुकान का रास्ता ये है, तो ये पीछे का रास्ता। अच्छा मेरे पास दुकान की यहाँ तक है। अच्छा ये तो चबूतरा है, कब जाके किसने किया हुआ? किसी का नहीं है सर, ये तो चबूतरा है दुकानों के आगे, ये रास्ता। अच्छा रास्ता ही नहीं है, रास्ता पीछे वाला का, ये वाला है यहाँ से। तो आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं आप कहना क्या चाहते हैं आप बताओ, लाइव देख चल रहे हैं आप इस समय, आप अपनी बात बताइए। ये रास्ता खुलना चाहिए हमारे इधर से, रास्ता ये है ना, ये चबूतरा है। तो आपने इसकी नगर परिषद में कंप्लेंट की है? अभी नहीं की जी, अभी टाइम मांगा हुआ था, अभी तक त्यौहार की वजह से। अच्छा उसके बाद कार्रवाई होगी। तो आप ये देख रहे हैं कि ना टेम्परेरी इंक्रोचमेंट कितना बहुत ही ज़्यादा है, बाजार में भी इंक्रोचमेंट है और गलियों में भी इंक्रोचमेंट है, जो बाजार की गलियाँ हैं। क्या शुभ नाम बताया था आपने अभी? जितेंद्र वर्मा। तो आप ना कब मिले थे नगर परिषद प्रशासन से? अभी मिले नहीं है जी। हाँ बाजार में आए थे? नहीं सर ये मिले हैं, नहीं नहीं को लेके आए, पूरी टीम को लेके आए, पूरी टीम को लेके आए, उन्होंने इंक्रोचमेंट जब वो देखते हैं दुकान पे आए थे, मैंने कहा भैया यदि ये गलत है तो आप इस पे नोटिस दीजिए, ये चबूतरा है अक्ष में। अच्छा अच्छा ये कह रहे हैं कि रास्ता है, ये तो कह रहे हैं रास्ता है, आप चबूतरा बता रहे हैं, अक्ष में जो अक्ष में चबूतरा है। हाँ अगर रास्ता होता है तो हम खाली करने के जिम्मेदार हैं। अच्छा अगर अक्ष में चबूतरा है तो चबूतरा तो चबूतरे के इस्तेमाल दुकान का होता है जी, रास्ते के लिए जगह छोड़ रखी है, रास्ता ये नहीं। एक चीज बताइए, आप ये जय साहब आए थे तो क्या हुआ था? नहीं 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 एक मिनट बात सुनिए, ये जो दुकान है जो ये बता रहे हैं, ये यहाँ अंदर दुकान जाएंगे कैसे, रास्ता कहाँ से मिलेगा? ये रास्ता पीछे वाला का है, इधर का, इधर ये पीछे प्लॉट पड़ा है पीछे ना, इनका रास्ता है ये वाला। अच्छा ये जनाब ये कमेटी का रास्ता, सरकार सीधी बात ये निजी जमीन है, निजी जमीन में अक्ष में चबूतरा छोड़ रखा है। अगर रास्ता है तो ये रास्ता है। चलिए चलिए तो विवाद का विषय है, ये विवाद का विषय है, टेम्परेरी इंक्रोचमेंट ये देख लिए, छोटी 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 बातें हैं। और ये जैसा वो बता रहे कि ये दीवानी मुकदमे वाली बात है। चलिए हम फिर चलते हैं वापस अपने उस पर।